नमस्कार बच्चों, आइए अपन पढ़ते हैं चट्टान। जो टॉपिक चल रहा था उसकी अगली क्लास में आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांत्रीय चट्टानों के प्रकारों के बारे में। पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि चट्टान क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, चट्टान चक्र क्या होता है और चट्टान चक्र से किस प्रकार से चट्टानों का स्वरूप और रूप परिवर्तित होता रहता है। हमने ये जाना कि धरातल पर कोई भी स्थल रूप अपने वास्तविक रूप में लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं परिवर्तनशील है। अतः जब पृथ्वी में परिवर्तन होता है, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण धरातल के ऊपरी स्वरूप में भी बदलाव होता है, नवीन स्थल रूपों का निर्माण होता है और एक लंबे समय अंतराल के दौरान धीरे 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 उनका विलीनीकरण भी होता जाता है। स्थल रूप बदलते भी जाते हैं, अर्थात बनते हैं और धीरे धीरे पुनः विलीन होकर वापस समतल स्थल रूप में बदल जाते हैं। तो इसी रूपों में, इसी क्रिया में विभिन्न प्रकार की चट्टानें, उनका निर्माण होता है और इन चट्टानों में पहली चट्टान जिसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। देखिए बच्चों, आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं, इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, अर्थात सबसे पहले इसी शैल का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको प्राथमिक शैल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के हर काल में होता है, वर्तमान समय में भी इसका निर्माण हो रहा है। देखिए इसको सीधे से अर्थ से समझिए कि जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो पृथ्वी के अंदर तप्त चट्टानों के पिघले हुए रूप, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं, वो धरातल के ऊपर प्रकट होता है और वो मैग्मा और लावा धरातल पर फैलकर जमकर ठोस हो जाता है। उससे जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान ही होती है। वो तो धरातल के ऊपर की संरचना है, लेकिन उस धरातल की ऊपरी सतह के नीचे जो हमें दृश्य नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन बीच वाली परतों में भी इसी तरह से जहाँ कहीं संधियाँ होती हैं, उन संधियों में, उन खाली स्थानों में ये लावा, ये मैग्मा भरकर जमकर ठोस हो जाता है और आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। और वैसे भी जितनी गहराई पर हम जाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो उतनी गहराई पर केवल और केवल आग्नेय चट्टानें ही मिलती हैं। प्राथमिक चट्टानें, अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें, ये केवल धरातल की ऊपरी सतह पर इन सभी आग्नेय और कायांत्रीय चट्टानों के धीरे 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 रूप बदलने के कारण, मुक्त कणों की संरचना में बदलने के कारण, क्योंकि धरातल पर बहिर्जात शक्तियाँ निरंतर क्रियाशील होती है और बहिर्जात जो शक्तियाँ होती है उनको हम आनाच्छादन की शक्तियाँ कहते हैं। और आनाच्छादन की शक्तियों में दो प्रकार के तत्व, जिसको दो प्रकार के कारक मुख्य रूप से अपक्षय और अपरदन के रूप में माना जाता है, और ये अपक्षय और अपरदन ही आनाच्छादन के रूप के माध्यम से धरातल के ऊपरी सतह पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन करते हैं। यानी अपक्षय चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम करता है और अपरदन अपने विभिन्न कारकों के माध्यम से उन टूटे फूटे चट्टानी असंगठित टुकड़ों को अपने साथ परिवहित करके और नीचे भागों में निक्षेपित कर देता है। यानी समतलीकरण का कार्य करते हैं ये दोनों बल, और इनको सम्मिलित रूप से बहिर्जात शक्तियाँ कहा जाता है। तो ये जो बहिर्जात शक्तियाँ होती है, ये धरातल पर वृहद पैमाने पर परिवर्तन करती है, और ये जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन धीरे 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 धरातल के जो बाहरी स्वरूप होते हैं, उच्चावचीय भाग होते हैं, उन उच्चावचीय भागों को धीरे धीरे समतलीकरण में, समतल रूपों में बदलते रहते हैं। तो ये जो नोट्स है इसको आप साथ साथ आप भी लिखते जाएँ, अपनी कौमी कॉपी में जो है भौतिक भूगोल के नाम से एक फोल्डर बना लें और उसमें इस तरह से जो है आप नोट्स हैं इसको व्यवस्थित रखें, क्योंकि ये आपके काम आएगा। अब इसकी विशेषताएं अपन देखें तो विशेषता में देखिए, पहली विशेषता आग्नेय चट्टानों की क्या आती है कि ये अत्यधिक कठोर होती है। जाहिर सी बात है, इसमें लौह तत्वों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकला हुआ जितना भी जो मैग्मा होता है, उस मैग्मे के जमने के कारण है जो ये चट्टानें बनती है, तो अत्यधिक कठोर होती है और सामान्यतः संधियों का इसमें अभाव होता है।
परंतु लंबे समय तक खुले स्थान में रहने पर मुलायम तथा कमजोर हो जाती है और उनमें धीरे धीरे संधियों का विकास हो जाता है। ये कुछ एक विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, अन्यथा इस चट्टान में संधियों का अभाव होता है, क्योंकि जिस प्रकार से अवसादी और परतदार चट्टानें होती है उसमें परत दर परत धीरे धीरे अवसाद जमा होता जाता है, फिर उसके ऊपर वनस्पति का विकास होता है, फिर पुनः एक नई परत आती है। तो इस तरह से वो जो चट्टानें होती है वो परतदार होती है, क्योंकि उसमें परतें हैं वो स्पष्ट देखी जा सकती है। लेकिन ये जो आग्नेय परत चट्टानें होती है, इस आग्नेय चट्टान में लावा जितना बाहर निकलकर बड़े गुंबद के रूप में जमकर अगर ठोस हो जाए तो वो जितनी संरचना उस गुंबद की होगी उस संरचना में किसी भी प्रकार की कोई संधियां नहीं होगी। दूसरा, ये रवेदार तथा दानेदार प्रकृति की होती है, इसमें रवा और दाना दोनों प्रकार के पाए जाते हैं अलग अलग कलर के हिसाब से। अधिकांश ये चट्टाने बहुत ही गहरे कलर की होती है, गहरे कलर की होती है, साधारणतया काला कलर होता है, और काला नहीं हो तो काले के साथ में लाल कलर के दाने और रवे होते हैं, जिसको आप जो है ये ग्रेनाइट कहते हैं, वो हार्ड कठोर पत्थर जिसमें ये दाने 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 लाल कलर के काले कलर के अलग अलग रंगों के होते हैं, वो दाने होने के कारण इसको जो है दानेदार या रवेदार भी कहा जाता है, लेकिन इनकी मात्रा कम और ये गहरे रंग की ज़्यादा होती है। तीसरा, जीवाश्म इसमें अनुपस्थित होता है, जीवाश्म नहीं होते, क्योंकि जो मैग्मा निकलता है उसका तापमान इतना अधिक होता है कि उसमें किसी प्रकार के जीवों का तो कोई अंश होना संभव ही नहीं है। तो इतने अधिक तापमान के कारण जो भी जीव होते हैं, जो भी जीवाश्म होते हैं, वो जल जाते हैं। क्योंकि चट्टानों का जला हुआ रूप ही तो ये बाहर उपस्थित होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के जीवों की उपस्थिति नहीं होती है। चौथा पॉइंट, धात्विक खनिजों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की तरफ लावा या मैग्मा के रूप में आकर जमकर ठोस होती है, इसलिए इनमें धात्विक खनिजों की अधिकता होती ही है। क्यों, हम जानते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे और निकल के अलावा भी बहुत सारे धात्विक पदार्थ है वो विद्यमान है, निक्षेपित है, लेकिन उनको बाहर लाने का काम, धरातल के ऊपर सरल सहज रूप में उपस्थित करने का काम ये इन आग्नेय चट्टानों के माध्यम से मैग्मा और लावा के द्वारा होता है। पांचवा पॉइंट, परतों का अभाव लेकिन जोड़ पाए जाते हैं, इसमें परतें नहीं पाई जाती लेकिन जो जोड़ है वो पाए जाते हैं, लेकिन इन जोड़ों का अर्थ यहाँ पर क्षैतिज रूप में नहीं होकर लंबवत रूप में होता है। क्यों, एक बार उद्भेदन हुआ, एक बार उद्भेदन जो ज्वालामुखी का होता है उसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तप्त मैग्मा या लावा निकला है वो निकलकर जमकर ठोस हो जाता है, और फिर धीरे धीरे जब दूसरा उद्भेदन होता है तो वो दूसरा लावे की जो परत होती है मोटी वो निकलकर और उसके ऊपर है जो जहाँ कहीं भी जितना पीछे से लावे का प्रवाह होता है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता हुआ और वो ठोस हो जाता है। फिर कुछ समय अंतराल के बाद फिर जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है फिर जितनी लावे की तीव्रता होती है उसके हिसाब से वो लावा आगे प्रवाहित होता है या पीछे ही जमकर रह जाता है। तो उसके हिसाब से इन गुंबदों, इन बड़े बड़े पिंडों के बीच में जो है जोड़ होते हैं, लेकिन उसको हम संधियां नहीं कहेंगे, वो जोड़ लंबवत होते हैं या बड़े आकार के रूप में होते हैं। छठा, पानी का प्रवेश बहुत मुश्किल होता है, इसलिए रासायनिक अपक्षय का प्रभाव बहुत ही कम होता है। रासायनिक अपक्षय मुख्यतः जल के माध्यम से होना होता है, और ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इन आग्नेय चट्टानों की प्रकृति कठोर होती है, इसमें धात्विक अंश अधिक होता है, बहुत ही महीन कण होते हैं, और ये जल के लिए अप्रवेशी होती हैं। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए बच्चों, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी हैं कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में नहरें और प्राकृतिक जो कुएं होते हैं जिसको अपन ट्यूबवेल कहते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम है। कारण यही है कि उत्तर भारत का जो मैदान है वो अवसादी चट्टानों, अवसाद के निक्षेपण से बना है, इसलिए जो जलोढ़ मिट्टी उसकी ऊपरी सतह पर पाई जाती है
काफ़ी गहराई तक खोदने पर भी वही जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है। और जलोढ़ मिट्टी में कुएं खोदना, कुएं का वेदन करना, कुएं खोदना और नहरें बनाना बहुत आसान है, क्योंकि नहरें समतल भाग पर बनाई जाती है और उत्तर का मैदान समतल है, तो नहरों के लिए अनुकूल स्थिति है। और साथ ही उत्तर के मैदान में नदियों की प्रचुरता है और अवसादी चट्टाने हैं, इसलिए ट्यूबवेल बनाना भी आसान है। लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि दक्षिणी भारत में अवसादी चट्टानों के स्थान पर आग्नेय चट्टानों का विस्तार अधिक है। वो लावा निर्मित किसी समय लावे का उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था और लावे का प्रसार विस्तार हुआ, और उस लावे के प्रसार विस्तार के कारण ही दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग बना। और उस पठारी भाग चूँकि वो आग्नेय चट्टानों का है, उबड़ खाबड़ है, और आग्नेय चट्टानें वो रंध्र रहित होती हैं, यानी कठोर होती है, इसलिए उसमें जल है वो भूमिगत नहीं होता, और जल भूमिगत नहीं होता है तो कुएं बनाना भी आसान नहीं है। साथ ही जब इतने कठोर, हमने पढ़ा है कि ये बहुत ही धात्विक खनिजों की मात्रा इसमें अधिक होती है, ये कठोर होती है, तो उसमें ड्रिल करना भी, छेद करना भी, कुएं बनाना, ट्यूबवेल बनाना उतना ही मुश्किल होता है। तीसरी बात, जब ये उबड़ खाबड़ भाग अगर कठोर है तो यहाँ पर नहरें बनाना भी उतना ही मुश्किल है, इसलिए भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग में प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ों के बीच में नीचे भाग होते हैं या धरातल पे जहाँ कहीं मैदानों के बीच में नीचे भाग होते हैं, उनके नीचे कठोर ये आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, तो उसके ऊपर वर्षा काल में जल स्वतः जो जमा हो जाता है तो वो झील और तालाबों के रूप में एकत्रित रहता है। तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई का मुख्य साधन है वो झील और तालाब हैं, तो तालाबों से सिंचाई है वो दक्षिण भारत में इन आग्नेय चट्टानों के कारण ही अधिक होती है। तो यांत्रिक और भौतिक अपक्ष का प्रभाव इन चट्टानों पर अधिक होता है, जिस कारण चट्टानों में विघटन और वियोजन होने लगता है। चट्टानों के टूटन फूटन की क्रिया को चट्टानों की यांत्रिक और भौतिक अपक्ष की स्थिति भी कहते हैं। अलग अलग कारक जिसमें तापमान, जल, वर्षा और रासायनिक कारक, ये मुख्य होते हैं। इनके प्रभाव के कारण चट्टानें हैं वो धीरे धीरे ऊपरी भाग पर कमज़ोर होकर, विदीर्ण और विस्तीर्ण होकर पपड़ियों के रूप में टूटने लगती है, और वही जो विघटन होता है वही विघटन कहलाता है। और जब रासायनिक जल के माध्यम से, जब रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टान के कण अलग होते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं, तो उस क्रिया को वियोजन होना कहते हैं, सॉल्यूशन की क्रिया कहते हैं। तो इन दोनों ही रूपों में विघटन यानी ऊपरी परतों का, ऊपरी भाग का छोटे मोटे टुकड़ों में टूटकर बिखरना, और वियोजन यानी जल के साथ घुलकर रूप परिवर्तित करना, तो ये दोनों ही कारक है, दोनों ही प्रभाव होते हैं, वो इन आग्नेय चट्टानों में देखे जाते हैं। फिर सातवां पॉइंट है, संधियां निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों में अधिक होती हैं, क्योंकि ऊपरी भाग प्रत्यक्षतः जलवायु के, वातावरण के विभिन्न कारकों के संपर्क में होते हैं। तापमान और जल ये धरातल पर वियोजन और विखंडन, विघटन के लिए प्रमुख कारक है। तापमान के कारण है जो चट्टानें फैलाव और संकुचन की क्रिया करती है। चूँकि आग्नेय चट्टानें काले रंग की होती है, धात्विक गुणों वाली होती है और महीन कणों वाली होती है, तापमान के कारण इसमें फैलाव होता है, क्योंकि ये तापमान को दूसरी चट्टानों की अपेक्षा अधिक ग्रहण करती है। जब तापमान को ग्रहण करती है तो गर्म होकर इसमें फैलाव और सिकुड़न की क्रिया होती है। चूँकि ये इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र नहीं होती है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन तापमान के कारण ऐसा होता है, फैलाव और संकुचन की क्रिया होती है, होती बहुत ही धीमी, बहुत ही कम प्रभाव वाली, लेकिन होती है, जिसके कारण ऊपरी भागों में धीरे 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 चटकने आना प्रारंभ हो जाती है, और साथ ही ऊपरी भाग दूसरे विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण है जो उस पर यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय तीनों क्रियाशील होते हैं, और फलस्वरूप ऊपरी भागों पर जो संधियाँ बन जाती हैं वो विखंडित होने लगती है, जबकि निचले भागों में इसमें संधियों का अभाव होता है, क्योंकि जितना बड़ा ये लावा गुंबद होता है, लावा भंडार का जो ये ऊपरी रूप होता है, तो ऊपरी भाग तो विखंडित विस्तीर्ण हो सकता है, लेकिन आंतरिक भाग संधियां रहित होता है।
फिर आठवां पॉइंट है, निर्माण प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ये बात सत्य है कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है धरातल पर, उसका मूल और मुख्य कारण ज्वालामुखी क्रिया ही है, क्योंकि धरातल की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक जो चट्टान पाई जाती है वो अवसादी चट्टान है, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से आंतरिक भाग से जो पिघला हुआ तप्त मैग्मा और लावा धरातल पर आकर फैलकर ठंडा होकर और जो चट्टानों का निर्माण करता है वो आग्नेय चट्टानें ही होती है, इसलिए इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बच्चों हमने देखा कि ये जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान किस रूप में है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती है। परीक्षा में आपको चट्टानों को परिभाषित करते हुए इनकी विशेषताएं बताइए, या फिर है जो चट्टान क्या होती है परिभाषा देते हुए आग्नेय चट्टान की विशेषताएं बताइए, तो क्वेश्चन छोटा या मोटा आ सकता है, तो आपको प्रश्न की प्रकृति को समझना है और उसी के अनुसार ही अपना आंसर देना है। ठीक,